हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ही एक्साइटेड हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? अमन, कौन सा डे है? हाँ जी, फोर्थ डे आज। तो फोर्थ डे में फर्स्ट डे से सेकेंड डे, सेकेंड डे से थर्ड डे, स्टेप बाई स्टेप। तो अभी आपको कितने परसेंटेज कॉन्फिडेंस आ चुका है? 50%। 50 तो नहीं कहूँगा मैं, 30% में कहूँगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपके साथ बार बार मिस्टेक हो रही है वो क्या हो रही है? क्लच नहीं दबा पा रही, क्लच दबाना भूल जा रही है, गियर चेंज। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लच। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो गियर वाली मैनुअल गाड़ी चलाने के लिए क्लच होता है। क्लच को कब दबाना है, कब छोड़ना है, कितना दबाना है, कितना छोड़ना है, ये जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं। होता है क्या है अमन जी, कि जब आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आपका माइंड 10 जगह डाइवर्ट होता है ना। स्टीयरिंग संभालना है, राइट वाले ओआरबीएम देखना है, लेफ्ट वाले ओआरबीएम देखना है, लुकिंग ग्लास को देखना है, या रोड पे, क्योंकि मैं ऑन रोड ऑन ट्रैफिक चलवाता हूँ। अगर अभी यही गाड़ी में आपको किसी बड़े ग्राउंड में चलवाता तो शायद आपके मन में जो डर है वो नहीं होता। लेकिन मेरा मानना ये कि ऑन रोड ऑन ट्रैफिक चलाने से कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, सीखने को ज़्यादा मिलता है, समय लगता है लेकिन ज़्यादा मिलता है। क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों को फेस करना, लोगों को फेस करना है, ग्राउंड में कोई ना गाड़ी दिखेगी ना कोई बंदा दिखेगा, है ना। तो वहाँ पे आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा चला रही हो, पर आपको सिर्फ वो लगेगा लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होगा। ऑन रोड ऑन ट्रैफिक में क्या है, कार का जजमेंट, लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, लेफ्ट से किसी ने ओवरटेक करा वो समझ में आएगा, राइट साइड से आपके कौन जा रहा है कौन आ रहा है वो आपको दिखेगा, अगर सामने से रॉन्ग साइड कोई आ रहा है वो समझ में आएगा। ये 3 लाइन का रोड है तो यहाँ पे ये भी समझ में आपको आ रहा है कि मेरी कार कौन से लाइन में चल रही है, ठीक है। हल्का राइट दबा लो, राइट राइट और राइट 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 राइट। अब देखो यहाँ कितना कंफ्यूज हो गई आप, कितना कंफ्यूज हुई। 3-4 बार मैंने आपको क्या बोला, राइट राइट, आप लेफ्ट जा रही, राइट जा रही। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा माइंड जो है एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रहा, और ड्राइविंग के टाइम माइंड स्टेबल होना कंपलसरी है। बीच वाली लाइन में आ जाओ, मिड वाली, क्योंकि ये 3 लाइन का रोड है। राइट वाली लाइन जो होती है मंजी, वो होती है ओवरटेकिंग के लिए। तो हम राइट वाली लाइन में तभी जा सकते हैं जब 40-50+ चलें, 40-50+। 90% लोगों को ये नहीं पता होता है ओवरटेक हमेशा राइट साइड से होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लच का जो मेन पैटर्न है वो क्या है, और क्लच कब लेना है, कैसे लेना। जैसे होता है क्या है, जैसे अभी आप कौन से गियर में चल रही हैं? सेकंड गियर में। अब सेकंड गियर में मान लो मुझे कार इस सफारी पे रोकना है, तो आप फुल क्लच दबा लो, अभी इसे पूरा क्लच दबा लो। अब देखो, अब क्लच के साथ आपने क्या दबाया, जब आपने क्लच दबाया था तो उस टाइम राइट वाला पैर आपका कहाँ आ जाना चाहिए था, फाइनली ब्रेक पे आ जाना चाहिए था, बट आपने पूरा क्लच दबा लिया, उसके बाद भी आपका एक्सेलेटर दब रहा था। क्यों? चलो छोड़ो, क्लच छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपने अपने राइट वाले पैर पे फोकस ही नहीं किया। जब हम क्लच को यूज करते हैं उस टाइम एक्सेलेटर पे पैर हमारा नहीं होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट ये है, जब हम क्लच फुल दबा रहे हैं तो उससे पहले हमारा पैर ब्रेक पे आ जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। जैसे आपने क्लच दबाना स्टार्ट किया था उसी टाइम आपका राइट वाला पैर अगर ब्रेक पे आ जाता तो जो इंजन का साउंड हुआ था वो नहीं होता, ठीक है। अभी आपके साथ दिक्कत क्या आ रही है कि जब लास्ट मोमेंट पे आप पहुंच जा रहे हो तब आप क्लच दबा रहे हो। फर्स्ट एंड सेकेंड गियर, फर्स्ट एंड सेकेंड गियर एंड रिवर्स गियर, इन 3 गियरों में आपको क्लच 50 मीटर पहले भी आप दबा सकते हो, 20 मीटर पहले भी दबा सकते हो, 10 मीटर भी पहले दबा सकते हो, बिफोर प्लान। क्योंकि यहाँ पे इन गियरों में स्पीड नहीं होती है, इन गियरों में पावर होती है। अगर आपने लास्ट मोमेंट पे सोचा कि मैं क्लच दबाऊँ तो पॉसिबल नहीं है। अब जो कार बार बार बंद हो रही है उसका रीज़न बताता हूँ। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लिया, लिया ही, अब फुल क्लच दबा लो, दबा लिया, एक्सेलेटर 1% नहीं लेना, ब्रेक 1% नहीं लेना। कार अभी आपकी 20+ चल रही थी, 25 की स्पीड में थी, अब मैंने आपको फुल क्लच दबवा दिया, आपने दबा दिया, स्टीयरिंग सीधी रखो, रोकना नहीं है, हाँ स्टीयरिंग सीधी रखो, लहराओ मत। अभी मैंने कितना पहले, अब सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है, मैंने कितना पहले आपको पूरा क्लच दबवा दिया, लगभग अप्रॉक्स 100 मीटर पहले। अभी गाड़ी आपकी 0- में आ गई, अब छोड़ो क्लच, ब्रेक की जरूरत पड़ी आपको 1%। तो यहाँ पे अगर मैं आपको भी क्लच नहीं दबवाता तो आप क्या करती, लास्ट मोमेंट पे आके अभी ब्रेक लगाती, क्योंकि गाड़ी आपकी 25 स्पीड में थी, तो आप गाड़ी को स्पीड ब्रेकर पे जब निकालती तो ब्रेक लगा के धीमा करती ना। अब यहाँ ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी, फर्स्ट एंड सेकेंड गियर एंड रिवर्स गियर में क्लच ही ब्रेक का काम करता है, क्लच ही ब्रेक का काम करता है। लेकिन
अमन जी ये 50 मीटर 100 मीटर बिफोर प्लान करना होता है। अगर सडन आपको लास्ट मूवमेंट पे रोकना है तो फिर आप पूरा क्लच देन ब्रेक। अब गाड़ी लेफ्ट वाली लाइन में लेके आओ, आ गई जी। अब आपको रेंडम में रोकना, अंकल आ रहे सामने, पूरा फुल क्लच दबाओ और ब्रेक लगाओ, स्टॉप। गाड़ी रोकी आपने, इंजन बुझा नहीं बुझा, पर एक मिस्टेक आपने यहाँ पे करी है, क्लच पूरा दबा के रखना। जब भी कभी अमन जी कार को रोकते हैं तो हमें फ्रंट का तो बहुत दूर तक दिख रहा है, लेकिन क्या हमें बैक साइड का कुछ आइडिया है? आपको अपने राइट वाले ORBM, लेफ्ट वाले ORBM, इस लुकिंग ग्लास को देखना चाहिए था। अगर अभी आपके पीछे कोई कार वाला या बाइक वाला चल रहा होता तो अभी क्या होता, वो ठोक देता पीछे से ला के गाड़ी। तो 90% क्या होता है, नए लोग यही गलती करते हैं, वो हमेशा सामने देखते हैं। सामने तो हमें दिख रहा है, लेकिन हमें जो नहीं दिख रहा है लेफ्ट वाले ORBM के जरिए से, राइट वाले ORBM के जरिए से, लुकिंग ग्लास के जरिए से, इन तीन मिरर से हमें बैक साइड में हर सेकंड की एक्टिविटी रखनी होती है। आपने कार बहुत अच्छी रोकी, कहीं इंजन बुझा नहीं, क्योंकि पहले आपने फुल क्लच दबाया फिर ब्रेक लगाया। अगर आपने ब्रेक पहले लगा दिया होता तो कार की स्पीड 20 की थी तो इंजन बुझ जाता। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर और रिवर्स गियर में हमेशा क्लच 10-20 मीटर पहले दबा लेना, उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने बाद में दबाया तो कार का इंजन, क्योंकि डिस्क ब्रेक होता है ना, डिस्क ब्रेक होता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड और रिवर्स गियर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आपने कार को रोक दिया, अब वापस आपको इसको स्टार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप गियर को न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर करेंगी, गुड। अब आप राइट वाले पैर को फ्री करेंगी, राइट वाला पैर आपका फ्री रहेगा, ना एक्सीलेटर दबाएंगी ना ब्रेक दबाएंगी, और क्लच को इक्वल प्रेशर से धीरे, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप अमन जी एक्सीलेटर के साथ कार को उठा रही हैं तो 30-40% क्लच पे एक्सीलेटर लेके उठा सकती हैं। अगर आप बिना एक्सीलेटर के कार को उठा रही हैं तो वहाँ पे फिर आपको बिना एक्सेलेटर के धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 तक जैसे क्लच छोड़ोगे तो आपका 20-30% क्लच रिलीज हो चुका होगा। फिर कार आपकी जब रेंगने लगे तो ना क्लच को वापस दबाना है ना क्लच को छोड़ना है, जब तक आपकी कार कम से कम 5 मीटर क्रॉस ना कर जाए, तो कार का इंजन कभी नहीं बुझेगा, ठीक है। अभी क्लच दबा के सेकेंड गियर करो, फिर आपने वही मिस्टेक कर दी, एक्सेलेटर से पैर ही नहीं हटाया, गियर तो आपने बहुत अच्छा डाला, गियर तो आपने बहुत अच्छा डाला, बहुत अच्छे से गियर लगाया, कोई गियर में कमी नहीं थी, क्लच में कमी नहीं थी, लेकिन जो आपका राइट वाला पैर था वो एक्सेलेटर से आपने, तो जब आपने लेफ्ट वाले पैर से क्लच दबाया तो राइट वाला पैर भी आपका मूवमेंट में था, 20% आपने एक्सेलेटर दबा लिया था। अभी आप राइट का सिग्नल दो नीचे को और कार को धीरे धीरे राइट वाली लाइन में लेके जाओ, देख के अपने मिरर में, चलो एक्सेलेटर से पैर फाइनली उठा लो, हाँ, क्लच यहाँ पे 50% लेना है, फुल नहीं लेना है, गोल चक्कर से हमें कार को यू टर्न करना है। राइट वाला पैर फाइनली ब्रेक पे आ गया आपका, दबाना नहीं है, एज ए एमरजेंसी स्पीड ब्रेकर, एक साथ में कई स्पीड ब्रेकर हैं, ठीक है। अभी क्लच को फ्री कर दो, पैर क्लच पे रहेगा, ब्रेक पे रहेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं दबाना है। अब यहाँ से राइट टर्न करना है, हाँ, दबाना कुछ भी नहीं है, ना क्लच ना ब्रेक, अभी और आगे जाने दो, हाँ, एक राउंड घुमा दो, पूरा एक राउंड घुमाओ, पूरा स्टीयरिंग घुमाओ, फटाफट फटाफट घुमाओ, अब सीधी करो फटाफट, वापस जल्दी जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी, ये देखो क्या कर दिया आपने, पूरा नागिन डांस कर दिया है, कर दिया ना। अब जब आप लेफ्ट लेके गई थी तो आपको राइट आने की क्या ही जरूरत थी, जब आप लेफ्ट लेके कार को गई थी तो लेफ्ट में तो आपको अपनी गाड़ी रखनी थी, यहाँ पे आप स्टीयरिंग नहीं संभाल पाई, यहाँ पे जो पीछे से लोग आ रहे हैं उनसे हमको डरने की जरूरत नहीं है, वो हमको नोटिस कर रहे हैं, वो आपकी गाड़ी की एक्टिविटीज से समझ जा रहे कि नौसखिया है, विगनर है, लर्नर है। तो अब जो ड्राइवर होता है ना, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग सिग्नल देते हैं कुछ लोग नहीं देते हैं, तो जो ड्राइवर होता है जिसको नॉलेज है ना, उसको रोड का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि बिना सिग्नल के भी वो समझ जाता है कि लेफ्ट टर्न करेगा राइट टर्न करेगा, लाइन चेंज कर रहा है क्या कर रहा है, वो उसकी एक्टिविटी से पता चल जाता है, ठीक है। अभी आपने जो मिस्टेक करी थी जब आपने कार को टर्न करा, तो आपको लेफ्ट वाली ही इसी लाइन में इधर आना था, आप पहले राइट गई फिर लेफ्ट, तो ये क्या होता जब राइट साइड से आपके कोई व्हीकल आ रहा होता तो वो भिड़ा देता, क्योंकि जब आपने टर्न करा था तो आपको रेंडम में राइट नहीं जाना होता है, आपको लेफ्ट आना होता है, ठीक है। और अभी देखो इंजन का जो साउंड है, इंजन के साउंड से हमें पता चल जाता है कि कार हमारी ओवर स्पीड में हो रही है ना, इंजन के साउंड से भी पता चल जाता है और स्पीड मीटर पे भी देखने से पता चल जाता है। जैसे अभी आपने 30 की स्पीड क्रॉस कर दी थी, तो फर्स्ट गियर की स्पीड होती 0-10,
सेकेंड गियर की स्पीड होती 20 to 30, थर्ड गियर की स्पीड होती 30 to 40, तो अभी आपकी 30 प्लस गाड़ी निकल गई थी, 30 प्लस निकल गई थी, तो इंजन बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था। छोटे गियर में अगर आप पहले दूसरे गियर में एक्सीलेटर ज़्यादा दोगे तो गाड़ी क्या होगी, इंजन बहुत साउंड करता है गाड़ी, क्योंकि पावरफुल गियर होते हैं ये, सिर्फ कार को रोकने के लिए, कार को स्टार्ट करने के लिए, स्पीड ब्रेकर पे कार को निकालने के लिए, टर्निंग पॉइंट पे निकालने के लिए, ट्रैफिक में चलाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड गियर होता है, ना कि दौड़ाने के लिए। ठीक है, अभी आप कौन से गियर में चल रही हैं? सेकेंड गियर। अब सेकेंड गियर से आपको आना है फर्स्ट गियर में, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको स्पीड डाउन करनी होगी, क्योंकि गाड़ी आपकी 30 की स्पीड में है। जैसे हम गियर अप करते हैं तो स्पीड बढ़ा के गियर डालते हैं, वैसे जब हम गियर डाउन करते हैं तो वहां पे भी स्पीड कम करके, अब आप पूरा फुल क्लच दबाओ और फर्स्ट गियर करो। गुड, अब देखो मक्खन जैसा गियर लगा ना, एक बार भी कोई प्रॉब्लम आई गियर लगाने में या क्लच दबाने में, क्योंकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीजें करी। और गियर मैंने क्यों चेंज कराया, क्योंकि लेफ्ट ही रखो, लेफ्ट साइड से ट्रैफिक आ रहा है, और धीरे धीरे सिग्नल लेफ्ट का देके लाइन चेंज कर लो, बिना सिग्नल के कभी भी लाइन चेंज नहीं करते, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लेफ्ट से राइट जाना है तो आप 100 मीटर पहले सिग्नल देंगी, फिर अपने राइट और लेफ्ट वाले ORBM को रिकॉल करेंगी। अगर आपको राइट से लेफ्ट आना है तो 100 मीटर पहले आप सिग्नल देंगी, फिर लाइन चेंज करेंगी। गुड, वेरी गुड, देखो कितने प्यार से गियर लगा। मैंने 1% भी यहाँ क्लच यूज किया नहीं किया। क्लच का और गियर का और स्टीयरिंग का, तीनों का मैचिंग करना होता है, तीनों का मैचिंग, तीनों को मैच करना है। आपने जब क्लच, कई बार क्या होता है नए लोगों के साथ, जब वो क्लच पूरा दबाएं तो गियर नहीं लगा रहे, और जब वो गियर खींच रहे हैं तो उनका पूरा क्लच नहीं दबा होता है। तो आपको क्या करना, जैसे गियर लगाने का जो प्रॉपरली तरीका है और क्लच दबाने का, जैसे कि सपोज अभी मैं आपसे थर्ड गियर लगवाऊंगा, तो पहले आप स्पीड मेंटेन करो, थर्ड गियर की स्पीड होनी चाहिए 30 प्लस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा और आप करते जाइएगा। अभी स्पीड और मेंटेन करो, अब आपकी स्पीड पहुंच गई 30, पहुंच गई। अब राइट वाला पैर फाइनली ब्रेक पे लेके आओ, राइट वाला हाथ यहाँ लेके आओ 12 o'clock। अब फुल क्लच दबा के मिड में ऊपर जाओ, बीचों बीच में ऊपर जाओ, छोड़ो क्लच, लग गया थर्ड गियर। अब मैंने आपको क्या पहले बोला कि पहले स्पीड मेंटेन करो, फिर जब आपने स्पीड मेंटेन करी उसके बाद जब स्पीड 30 प्लस हो गई तो राइट वाला पैर आपने ब्रेक पे रखा, ठीक है, राइट वाला हाथ यहाँ 12 o'clock पे। अब उसके बाद आपने पूरा फुल क्लच दबाया और गियर मिड में अप कर दिया, लग गया। अब अगर ये स्टेप बाय स्टेप नहीं करती तो क्या मिस्टेक होता, जैसे आप पूरा क्लच दबाती, गियर डाल देती, स्पीड आपकी 20 होती, उसके बाद आपका राइट वाला पैर एक्सेलेटर पे रहता, बिना बात का एक्सेलेटर दबता। अगर आपका ये स्टीयरिंग वाला हाथ जहाँ पे अभी है यहाँ रहता, तो जब हम लेफ्ट हैंड से ऐसे गियर खींच रहे होते हैं ना, तो राइट हैंड भी हमारा मूवमेंट में आ जाता है। जैसे आपका राइट वाला पैर आ जाता है क्लच दबाने के लिए, जब लेफ्ट वाले पैर से आप क्लच दबाते हो तो राइट वाला पैर भी आ जाता है ना। तो इसीलिए जब आप राइट वाला हाथ 12 o'clock पे यहाँ रखोगे तो आपकी गाड़ी लहराएगी नहीं। ये स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। अभी आपका क्लच का कंप्लीट हो गया, अब कोई डाउट है? क्योंकि क्लच का फुल क्लच जब हमें लेना होता है, दो ही कंडीशन में फुल क्लच लेना होता है। फुल क्लच एक तो कार को जब हम स्टार्ट करते हैं, आजकल जितनी गाड़ियां आ रही लेटेस्ट विदाउट क्लच स्टार्ट नहीं होती, सेफ्टी पर्पस क्लच दबाना कंपलसरी होता है, ठीक है, तो बिना क्लच के इंजन ऑन ही नहीं होता है आजकल जितनी लेटेस्ट गाड़ियां आ रही 2018 के बाद। जैसे स्कूटी आप चलाती तो बिना ब्रेक के स्टार्ट होती है, क्योंकि वो ब्रेक में ही क्लच है, वो ब्रेक में ही क्लच होता है। जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियां होती है, MT है, IMT है, उसी तरीके से स्कूटी है। तो आप जब भी फुल क्लच दबाओगे तो फुल क्लच दो ही कंडीशन में, एक कार का इंजन ऑन करते वक्त और एक गियर लगाते वक्त, ठीक है। फुल क्लच दबाने का मतलब होता है कि इंजन ऑन है और इंजन को हमने फ्री कर दिया है, जो अभी हमारी गाड़ी का गियर एक्टिव है। आप कौन से गियर में है अभी? थर्ड गियर की मिनिमम स्पीड क्या होती है? 30 to 40, 30 मिनिमम, मैक्सिमम 40। अब आपकी स्पीड जो है 20 चल रही है। अब आप क्या करो अमन जी, राइट वाला पैर फाइनली ब्रेक पे लिया और पूरा फुल क्लच दबा लो। ये क्या किया आपने? चलो कर दिया। किस क्लच छोड़ दो। किसने बोला आपको गियर चेंज करने के लिए? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि अभी आपकी गाड़ी की जो स्पीड है तो आप राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आओ और फुल क्लच दबा लो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि फुल क्लच दबाने पे
कार आपकी अभी 200 मीटर 150 मीटर पे कार आपकी रुक जाती बिना ब्रेक के, फर्स्ट एंड सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, किसी भी गियर में अगर आप हो, बस वो डिपेंड करता है कि थोड़ा टाइम दूर दूर जाके, जैसे अभी आप सेकंड गियर में हो, अभी आप अगर पूरा क्लच दबा लोगे तो ये जो पोल लगे हैं लेफ्ट में, एक पोल से दूसरे पोल की बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर, एक पोल से दूसरे पोल की जो दूरी होती है 50 मीटर ही होती है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी पोल लगते हैं 50 मीटर की डिस्टेंस पे लगते हैं, ठीक है। अब आप फुल क्लच दबा लो, दबा लिया, ब्रेक मत लेना 1% भी, कार आपकी सेकंड गियर में है, ठीक है। अभी देखना, ये जब आपने पूरा क्लच दबाया था पीछे वाले पोल पे, अब देखिएगा गाड़ी लेफ्ट ही रखिएगा, यहाँ पे हल्की सी डाउनहिल भी है, फील हो रहा है डाउनहिल, अगर ये डाउनहिल नहीं होती तो शायद आपकी कार अब तक के रुक चुकी होती है। कार क्यों रुकी, जो कार का वेट है, हम लोग का वेट है, तो वो धीरे 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 अपने आप, आपने ब्रेक क्यों लगाया, क्यों लगाया ब्रेक, मैंने तो मना किया था ना आपको कि ब्रेक नहीं टच करना है, मैं तो यहाँ पे बिना क्लच के बिना ब्रेक की गाड़ी रुकवाना चाह रहा था। अभी देखो एक चीज है, अभी आप ना, मैं आपको आज बता देता हूँ, अब इसको फर्स्ट गियर में कर लो, हाँ चलो अब ब्रेक को फ्री करके धीरे धीरे क्लच को रिलीज कर लो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।